प्रभु श्री राम अपने भव्य और दिव्य मंदिर में विराज चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ समेत संत समाज और अति विशिष्ट लोगों की उपस्थिति में राम लला के श्री विग्रह की प्राण प्रतिष्ठान का ऐतिहासिक अनुष्ठान संपन्न हो चुका है। आइए तस्वीरों और वीडियो के जरिए आपको राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठान दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बने दिव्य और भव्य मंदिर में प्रभु श्री राम के बाल स्वरूप राम लला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुनहरा धोती कुर्ता पहनकर राम मंदिर पहुंचे। इस दौरान हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए गए। पीएम मोदी के हाथ में लाल चुनरी पर चांदी के छत्र था। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठान के लिए 84 सेकंड का बेहद शुभ मुहूर्त था। 12:29 पर 8 सेकंड से 12:30:32 पर पीएम मोदी ने प्राण प्रतिष्ठान पूजा पूरी की। पीएम मोदी ने राम मंदिर के गर्भगृह में पूजा अर्चना की और मूर्ति का अनुष्ठान पूरा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत की उपस्थिति में यह अनुष्ठान संपन्न हुआ। फिर पीएम मोदी ने रामलला के बाल स्वरूप की धरती के इसके बाद सभी भक्तजनों को रामलला की पहली झलक दिखाई दी। पीएम मोदी ने रामलला की आरती की और परिक्रमा कर प्राण प्रतिष्ठान का विधि विधान पूरा किया। इस मौके पर पीएम मोदी और सीएम योगी ने शीश झुकाकर रामलला का आशीर्वाद लिया। सियावर रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। श्रद्धे मंच, सभी संत एवं ऋषिगण यहां उपस्थित और विश्व के कोने कोने में हम सबसे खास जुड़े हुए सभी राम भक्त, आप सबको प्रणाम, आप सबको राम राम। आज हमारे राम आ गए हैं। सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए हैं। सदियों का अभूतपूर्व धैर्य, अनगिनत बलिदान, त्याग और तपस्या के बाद हमारे प्रभु राम आ गए हैं। इस शुभ घड़ी की आप सभी को, समस्त देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। मैं अभी गर्भगृह में ईश्वरीय चेतना का साक्षी बनकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। कितना कुछ कहने को है, लेकिन कंठ अवरुद्ध है। मेरा शरीर अभी भी स्पंदित है, चित्त अभी भी उस पल में लीन है। हमारे रामलला अब टेंट में नहीं रहेंगे। हमारे लाल रामलला अब इस दिव्य मंदिर में रहेंगे। मेरा पक्का विश्वास है, अपार श्रद्धा है कि जो घटित हुआ है इसकी अनुभूति देश के, विश्व के कोने कोने में राम भक्तों को हो रही होगी। ये क्षण अलौकिक है, ये पल
पवित्रतम है। ये माहौल, ये वातावरण, ये ऊर्जा, ये घड़ी प्रभु श्री राम का हम सब पर आशीर्वाद है। 22 जनवरी 2024 का ये सूरज एक अद्भुत आभा लेकर आया है। 22 जनवरी 2024 ये कैलेंडर पर लिखी एक तारीख नहीं, ये एक नए काल चक्र का उद्गम है। राम मंदिर के भूमि पूजन के बाद से प्रतिदिन पूरे देश में उमंग और उत्साह बढ़ता ही जा रहा था। निर्माण कार्य देख देशवासियों में हर दिन एक नया विश्वास पैदा हो रहा था। आज हमें सदियों के उस धैर्य की धरोहर मिली है। आज हमें श्री राम का मंदिर मिला है।